मथुरा भरतपुर गेट पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित सुभाष नगर में किराए पर रह रही महिला किराएदार शहनाज मंगलवार को अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची। यहां उसने अपने मकान मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने उसके खिलाफ पहले ही एक धारा 452 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा रखा है और अब उसे घर से निकालकर उसके सामान सेफ तला लगा दिया है, जिसके चलते पीड़िता न तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही है और न ही उन्हें सर्दी से बचा पा रही है। इसी संबंध में जब पीड़िता स्थानीय चौकी गई तो वहां पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते उसे न्याय की उम्मीद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आना पड़ा है। उसने बताया कि आरोपी मकान स्वामी दबंग है और नशे का कारोबार करता है। शहनाज, शहनाज आप यहाँ किस लिए आई, क्या समस्या लेकर? मेरी समस्या ये, मैं 3-4 महीने से परेशान हूँ। 2 महीने पहले मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा करवा दिया, 452 लगवा दी। उसके बाद मुझे वकीलों ने सलाह दी, मुझे पुलिस परेशान करती रही, रिलीफ मिला, मैं यहाँ शिकायत लेकर आई। मेरे बच्चों को 13 तारीख को घर से बेघर कर दिया। उसके बाद में ये दरोगा जी ने जमानत ले ली, मैं घर गई, मुझे घर में न घुसने दिया न एक सामान लेने दिया। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? ये हाजी यासीन और हाजी गुड्डू, ये इसका भतीजा है गुड्डू, हाजी यासीन का। कहाँ का मामला है? भरतपुर गेट चौकी थाना कोतवाली सुभाष नगर में रहते हैं, जहाँ आप नेता रहते हैं ना वहीं रहते हैं। आप हमारी जानकारी कर लीजिए। इस संबंध में आप किससे शिकायत की, आपने किससे मिली? सब अधिकारियों से मिल चुके हैं हम, हमारी एक भी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कब से होगी ये, तो बच्चे आ रही है? ये 2 महीने हो गए, 2 महीना 12 दिन हो गए। तो लगातार तब से अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं आप? अधिकारियों के पास तो हम 4 महीने से काट रहे हैं, उनसे पहले से ही शिकायत दे रहे हैं हम तो। तब मेरे संग पहली बार मारपीट कर रही, मेरे सारे कागज हैं पुराने, दिक्कत बैग कब सारी, मेरी ड्रेस सब बंद कर रखी है, सामान के लिए गए तो कहता है यहाँ तेरा कुछ नहीं है। कौन है ये हाजी, क्या तुम्हारा कोई भी नहीं है? जोर से तुम्हारे मकान पर कब्जा कर रखा है? मकान पे नहीं, मैं उनके किराए पे रहती थी। आपके कमरे को बंद कर रखा? हाँ, सामान्य मुझे हो गए 2000 से रह रही हूँ मैं, 2002 से रह रही हूँ मैं उस घर में। अब मेरे घर पे बच्चों में बच्चों को छोड़कर गई थी, इलाहाबाद के लिए सलाह दे दिया मुझे वकील ने, कहा आप स्टे ले आओ, मैं और ये इलाहाबाद चले गए। 13 तारीख को मेरे बच्चों को घर से बेघर कर दिया। उसके बाद मैं घर पर गई तो ताला लगवाया था दरोगा जी ने कि आपकी मम्मी जमानत करा लें, हम आपको घर कर जाएंगे, लेकिन उसने ताला खोलने के अब जाने के लिए तैयारी नहीं है। अब कहाँ रह रहे बच्चे और आप? इधर उधर तेरे मेरी छतों पे सो रहे, बिना उड़ाइए बिना बिछाइए के। पढ़ाई भी बंद कर रखी है? पढ़ाई 2.5 महीने से, आप स्कूल में जा करके जानकारी करें। अवैध जमीन है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील है साहब, वकील अहमद। वकील अहमद, क्या समस्या लेके आए? कब तक ये समस्या लेके आए सर? हमारी 2.5 महीने से परेशान है, मेरा पूरा परिवार परेशान है। झूठे मुकदमे में हमको फंसा दिया, हम घर से बाहर हो गए। दरोगा जी कुलवीर ने कहा इन बच्चों को ताला लगा करके अपने हाथ से इनको बाहर कर दिया, और साहब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरोगा जी ने खुद ताला लगाया था अपने हाथ से। अब बच्चे हम सब भटक रहे हैं इधर उधर सड़क पर रह रहे हैं साहब, हमारा कोई तो है नहीं साहब। वो दबंगी आदमी है, गुड्डू सट्टे का काम करता है साहब, पूरे शहर में उसका आतंक है, ऐसी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं उसको, गुड्डू को पुलिस से उसकी सेटिंग है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। चक्कर कब से लगा रहे हैं आप? हम 2-3 महीने तो हो गए कम से कम। तमाम हमारे पास जो कोई लेटर रखे हुए हैं, हमारे पास एप्लीकेशन रखी, जो लोग गवाही देने को तैयार हैं हमारी, सब लोग मोहल्ले पड़ोस वाले, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी बीवी परेशान है साहब, मेरे बच्चे परेशान है। क्या चाहते हो आप? हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर, इसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको मालूम पक्का है सही है गलत है। अगर हम गलत हैं तो हम दोषी हैं तो हमको सजा दी जाए, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए सर।